भाई छोटू सिंह रावणा जिसके बारे में आप सब जानते ही होंगे, ये न सिर्फ राजस्थान की शान है बल्कि मैं तो सोचता हूँ भारतीय संस्कृति की, भारतीय संगीत का वो नाम है जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी आवाज़ के माध्यम से, सुरीली आवाज़, मीठी आवाज़ इनकी, जिनके कंठों में माँ सरस्वती विराजमान हैं, ऐसे हमारे मित्र भी हैं, भाई भी हमारे। मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे कार्यालय के अंदर आप पधारे हैं और इन्होंने राजस्थान के विभिन्न कोनों में, भारत के विभिन्न कोनों में जिस प्रकार संगीत को एक नया आयाम दिया है और इस मारवाड़ को, राजस्थान को थार के रेगिस्तान से उठकर पूरे भारत में विभिन्न कोनों में आपने जो संगीत का परचम लहराया, मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। निश्चित ही राष्ट्रवाद का जो बिगुल है वो आप जैसे कलाकारों के माध्यम से अपने देश के बाहर भी बसता है और राष्ट्रवाद की चेतना का जो भाव है आपके मन में, करोड़ों भारतीयों के मन में आप जगाते हैं। ऐसे हमारे संगीत कला के भाई छोटू सिंह जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ, माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप लंबे समय तक अपने इस क्षेत्र में कामयाबी हासिल करते रहें, अपने राजस्थान का, मारवाड़ का, पूरे भारत देश का नाम रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं तो सिर्फ मंत्री जी के दर्शन करने के लिए आया था इनके निवास पर, और इन्होंने पास बैठकर गाना सुनने की इच्छा, तो मैं आपको बाबा श्याम का बहुत प्यारा भजन सुनाता हूँ। आप सबने सुना, तीन बाण के धारी तीन बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तूफानों ने घेर लिया मुझे, राह नजर ना आए, तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले जाए। भटक रहा राहों में बाबा है, भटक रहा राहों में बाबा पार लगाओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया।